तो स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है वो है ग्रामर का एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाने का, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो समझने जा रहे हैं, इससे पहले कि हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का जो सेंटेंस होता है वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप टेंस पढ़े होंगे। अगर आप टेंस नहीं पढ़े होंगे तो ये तो बिल्कुल आपको बाउंस करेगा। तो अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इस पर वीडियो बना देंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हमने लेवल वन बनाया है और यहाँ हमने लेवल टू बनाया है। यहाँ लेवल वन जो है समझना बहुत जरूरी है और फिर लेवल टू भी समझना। अगर लेवल वन और लेवल टू बढ़िया से समझ गए ना तो फिर आपको एक्टिव से पैसिव और पैसिव से फिर एक्टिव करने बहुत आसानी से आ जाएगा। यहाँ देखिए, हमने सिर्फ यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का यहाँ पर एक्टिव फॉर्मूला हमने लिख दिया है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। V5 का तब इस्तेमाल होता है जब ही सी इट एक नाम जब आता है तो उसके साथ SES प्रयोग करते हैं, अर्थात V5 प्लस ऑब्जेक्ट। उसका हमने यहाँ पर पैसिव फार्मूला लिख दिया है। जो सेंटेंस होता है ना, देखिए एक्टिव कोई भी सेंटेंस होता है ना तो सब्जेक्ट के बाद जरूर हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई देगा, या डायरेक्ट जो है ना कि आपको वर्ब दिखाई देगा। तो सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब, फिर अगर आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले ला देना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद से जो है हेल्पिंग वर्ब जो है ना लगा देना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद से तुरंत वर्ब का तीसरा रूप और प्लस सब्जेक्ट जो होगा ना, जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा लेवल टू में। यहाँ देखिए, लेवल टू में सब्जेक्ट अगर आई है तो बाई मी यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट अगर ही है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बाई हिम हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट सी है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बाई हर हो जाएगा। इस तरीका से अगर नेम कोई है तो नेम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बाई नेम हो जाएगा, सिर्फ बाई लगा देना है। ईट है तो बाई ईट हो जाएगा, यू होगा तो बाई यू हो जाएगा, वी है तो बाई अस हो जाएगा, दे है तो बाई देम हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर है लेवल वन, यहाँ है लेवल टू। उसी तरीके से हमने कंटिन्यूअस का भी जो प्रेजेंट टेंस का जो कंटिन्यूअस फार्मूला होता है वो है सब्जेक्ट प्लस एमएजआर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और उसका पैसिव में बदलने का फार्मूला है ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, उसके बाद बीइंग, उसके बाद से वर्ब का तीसरा रूप प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। ये जो है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और सॉरी यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया था, यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा और ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा देर के लिए हट जा रहा हूँ, आप इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके आप उसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो हमारी पूरी कंसेप्ट क्लियर हम लोग की हो जाएगी। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। यहाँ देखिए, रोहन गाड़ी चलाता है। बस ध्यान देना है कैसे ट्रांसलेशन हम पहले बनाते हैं एक्टिव के साथ। यहाँ है इंडिफिनिट का, ये सेंटेंस जो है ना इंडिफिनिट के अंतर्गत आएगा, और इंडिफिनिट का एक्टिव फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई ही सी इट एक नाम हो तो फिर हम लोग SES का प्रयोग करते हैं। तो रोहन सब्जेक्ट है तो हम यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे, क्या चीज़ रोहन। मैं थोड़ा सा ऊपर ही लिखता हूँ ताकि इसको पैसिव में भी बदलना है, रोहन, ठीक है। उसके बाद से अगर वर्ब है तो लगाना है, वर्ब क्या है चलाना, तो यहाँ पर हो जाएगा ड्राइव। और ही सीट एक नाम के साथ SES लगता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ब का 5 रूप जब होगा तो ड्राइव्स हो जाएगा, तो रोहन ड्राइव्स। अब क्या है ऑब्जेक्ट कार, तो यहाँ पर कार। अब इसको जब हम पैसिव में बदलना होता है तो इंडिफिनिट को पैसिव में बदलने के लिए पहले ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि कार पहले आ जाएगा, यानी कार। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब को चुनेंगे, इज लगाएंगे, कार इज, ठीक है। और जो वर्ब होगा वो वर्ब अगर ड्राइव है तो इसका भी 3 लगाना है, यानी वर्ब का तीसरा रूप, तो यहाँ हो जाएगा ड्राइवेन, ठीक है। तो कार इज ड्राइवेन। अब क्या है कि अगर नाम है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार किस तरीके से, नाम है तो बाई लगा करके वही नाम लिख देना है, यहाँ पर हम लिखेंगे बाई रोहन, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ रोहन गाड़ी चलाता है तो रोहन ड्राइव्स कार। लेकिन जब हम इसको पैसिव में बदलें तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया कार, और ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाकर इज लगा दिए, उसके बाद से वर्ब का तीसरा ड्राइवेन
जस्ट बाई लगा करके हमने उसी नाम को लिख दिया। अब क्या है ना कि यहाँ पर देखिए एक्टिव, एक्टिव जो होता है ना वो देखिए एक्टिव सेंटेंस के साथ होता क्या है कि सब्जेक्ट खुद किसी काम को करता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट किसी काम को खुद करता है लेकिन उसी काम को सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, तो हम समझते हैं कि ये पैसिव है। जैसे ये गाड़ी चलाने का काम सब्जेक्ट कर रहा है लेकिन वही जो ऑब्जेक्ट है अब इस सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, यानी कार इज ड्राइवन बाय रोहन, यानी कार जो है ना चलाया जाता है किसके द्वारा, रोहन के द्वारा, यानी रोहन के द्वारा कार चलाया जाता है। यहाँ पर पहले एक्टिव एक्टिव सेंटेंस क्या था, रोहन गाड़ी चलाता है, लेकिन जब हम लोगों ने पैसिव में बदला तो कार इज ड्राइवन बाय रोहन, यानी कि उसी कार को रोहन के द्वारा चलाया जाता है। क्लियर, अब हम लोग समझते हैं इसका कंटिन्यूअस। देखिए जो दूसरा एग्जांपल है ना वो है कंटिन्यूअस से, कंटिन्यूअस से हम देखते हैं रोहन गाड़ी चला रहा है, क्यों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इस कंटिन्यूअस के फार्मूला को, एक्टिव फार्मूला को यहाँ पर लागू करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या होगा, रोहन, ठीक है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे रोहन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें हेल्पिंग वर्ब को लेंगे, रोहन के साथ लगेगा इज, उसके बाद से वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब में आईएनजी, तो रोहन इज चलाना का क्या होता है, ड्राइव, तो ड्राइविंग हो जाएगा, रोहन इज ड्राइविंग, क्या चीज, ऑब्जेक्ट है गाड़ी, तो यहां पर हम लिख देंगे कार, रोहन इज ड्राइविंग कार। अब बात करते हैं कि कैसे हम इसको पैसिव में बदलेंगे, तो जस्ट इसके बगल में हमने पैसिव का फॉर्मूला लिखा है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वी थ्री प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल के। यहां देखिए जब हमको लिखना होगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले ला लेंगे क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट के द्वारा उस सब्जेक्ट के लिए कोई काम किया जा रहा है, तो यहां देखिए कार पहले हो जाएगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का मामला खत्म। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को चुनेंगे, तो कार के साथ हम इज लगा देंगे, अब डायरेक्ट आंख बंद करके यहाँ पर बीइंग लगा देंगे, और भाव जैसे अगर तुरंत उसका तीसरा फॉर्म ड्राइव का ड्राइविन हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, रोहन है ना तो बाई नेम हो जाएगा, यानी कि बाई रोहन। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखिए रोहन गाड़ी चला रहा है, रोहन इज ड्राइविंग कार, लेकिन जब पैसे में हम लोग बदलें तो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, कार इज बीइंग ड्राइविन बाई रोहन, अगर वह गाड़ी चला रहा है होता है तो ही का क्या हो जाता, बाई हिम, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि कार इज बीइंग ड्राइवन बाई हिम, ठीक है। उसी तरीका से ये लेवल टू का जो चार्ट है, इस चार्ट के अनुसार जो भी सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, और उसके साथ हम बाई लगाकर उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल के हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ है तीसरा, तीसरा है परफेक्ट, ठीक है ना, यहाँ पर परफेक्ट का फॉर्मूला हम लोग टेंस में जानते हैं, एक्टिव फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग वहाँ तीसरा नंबर जो एग्जांपल है वो है परफेक्ट का, रोहन ताजमहल देख चुका है, यानी सब्जेक्ट है रोहन, देखने का काम किया है क्या चीज़, ताजमहल को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे रोहन, रोहन रोहन ही सी टेक नाम के साथ हैज लगाते हैं तो रोहन हैज, ठीक है, रोहन हैज, अब सी का वर्ब थ्री होगा सीन, सी साव सीन होता है तो रोहन हैज सीन, ताजमहल है तो द ताजमहल, ठीक है। अब इसको हमको पैसिव में बदलना है, पैसिव में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना है, यहां देखिए ऑब्जेक्ट है ताजमहल तो द ताजमहल, द ताजमहल, ठीक है, द ताजमहल, उसके बाद से क्या हो जाएगा, हैज हैव ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा तो हम लगाएंगे हैज, द ताजमहल हैज, ठीक है ना, बीन है तो बीन भी लगाना है, द ताजमहल हैज बीन, भी थ्री है क्या चीज, सीन, तो हम सीन लगा देंगे, द ताजमहल हैज बीन सीन, ठीक है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, रोहन है तो भाई रोहन, क्लियर, यहां पर हो गया, रोहन ताजमहल देख चुका है, ताजमहल रोहन के द्वारा देखा गया, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल नंबर फोर को हम लोग समझते हैं, यह है परफेक्ट कंटिन्यूअस से, परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज है बीन प्लस बी भर में आई एनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, रोहन सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहा है, तो रोहन क्या कर रहा है, सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहा है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पकड़ेंगे और लिखेंगे रोहन, ठीक है ना,
रोहन सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो रोहन खेलते आ रहा है, तो रोहन हैज बीन प्लेइंग क्या चीज, अब प्लेइंग हो गया उसके बाद से क्रिकेट, रोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट क्या चीज सुबह से ना, तो सिंस मॉर्निंग। अब हमको बनाना है कि इसका पैसिव, ठीक है ना, तो अगर पैसिव बनाना है एक्टिव का तो हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे क्रिकेट, क्रिकेट ठीक है ना, उसके बाद से हैज बीन, क्रिकेट हैज बीन ठीक है, उसके बाद से क्या है बीइंग, तो बीइंग लगा देंगे, क्रिकेट हैज बीन बीइंग भर का तीसरा तो प्लेड, उसके बाद से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो बाई क्या चीज रोहन, बहुत आसान है ठीक है ना, क्रिकेट हैज बीन बीइंग प्लेड बाई रोहन। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आया होगा, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर उस कंफ्यूजन से रिगार्डिंग कोई वीडियो अपलोड करेंगे, और समझ में आया होगा तो लाइक शेयर तो बनता है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।